अपनी सीट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चल हमने आपको बताया था इसमें मार्शल बनाना, इतने फॉर्मूले में किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। इतने में अगर रात में किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तो सबको आ गया, तो टोटल तो क्लियर इतना अपन इसको यहाँ पे हटा, यहाँ पे आप टोटल निकाल लेंगे। फिर अब आपको निकालना है परसेंट, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं टोटल का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का रहता है, और डिवाइड कर देंगे आप इसमें टोटल सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 100 का होता है, मतलब टोटल जितने भी हो जाएंगे 600। एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाएगा, इस पर क्लिक करके अपन इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाएंगे। फिर अब अपन को निकालना है इसमें डिवीजन, डिवीजन का फॉर्मूला होता है इक्वल आई एफ एफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन फर्स्ट डिवीजन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, मतलब अगर 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा परसेंट होते हैं तब स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन बनेगी। फिर आप यहाँ पे ला देंगे कॉमा, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं इफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 45, मतलब अगर 45 या 45 से ऊपर परसेंट है तब सेकेंड डिवीजन बनेगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन सेकेंड डिवीजन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर आप यहाँ कॉमा ला देंगे, फिर आप लिखेंगे आई एफ एफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर स्टूडेंट की 33 या इससे ज़्यादा परसेंट है तब थर्ड डिवीजन रहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन थर्ड डिवीजन इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर आप लगाते हैं यहाँ पे कॉमा, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 0 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब अपन ने इसमें 4 बार ब्रैकेट ओपन किया था, शिफ्ट के साथ 0 से 4 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन निकल के आ जाएगा, इस पर क्लिक करके अपन इसको ट्रैक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्रेड, ग्रेड निकालने का फॉर्मूला भी सेम रहता है, सिर्फ कितना चेंज हो जाता है, अपन डिवीजन में लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ग्रेड में लिखते हैं ए बी सी, सेम फॉर्मूला इक्वल आई एफ एफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन ए ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा ला देंगे, फिर आप लिखेंगे आई एफ एफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन बी ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आप ला देंगे कॉमा आई एफ एफ 57 9 से ब्रैकेट ओपन परसेंट का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे आप लिखते हैं सी ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, अब आपने देखा था डिवीजन का और परसेंट का फॉर्म, सॉरी डिवीजन का और ग्रेड का फॉर्मूला दोनों का पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कितना सा है, डिवीजन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते हैं और ग्रेड में ए बी सी लिखते हैं। अब अपन ने जब डिवीजन का लिखा था तो अपन ने थर्ड डिवीजन के बाद पूरा टाइप किया था फेल चली, ऐसा ही आप ग्रेड में भी पूरा टाइप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इफ लिखेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर सेल एड्रेस लेंगे, पूरा टाइप करेंगे, अगर आपको पूरा टाइप नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके यहाँ पे आप फेल लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब सेफ्टी साथ 0 से 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि अब 3 बार ओपन हुआ, फेल सा नहीं लिखा तो ब्रैकेट कितनी बार ओपन हुआ, 3 बार, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड निकल के आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके मैंने इस पर ड्रैग कर दिया। अगर आप चाहें तो डिवीजन की तरह पूरा टाइप करेंगे ऐसे 0 0 लिखो, और अगर ऐसा नहीं करना आप नॉर्मल इसको ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए अपन यहाँ पे किसी स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, जैसे अपन इनके नंबर यहाँ पे कम कर देते हैं, जैसे ही परसेंट 33 से कम होंगे
दोनों में फैला रहा, अपन ने यहाँ पे इतना फॉर्मूला लगाया तब भी यहाँ पे फैला जाएगा, और अगर आप इस टाइप से लाएंगे तब भी वहाँ पे फैल आ जाएगा। हमने आप लोग ये नाम लिखी थी, चीज़ को फैल कर दिया, आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है अपन इसको सही कर देते हैं। इतना निकाल लेंगे अब आप लोग। इसके बाद अब अपन यहाँ पे आइए निकालते हैं सप्ली। अब आप यहाँ पे ला देंगे सप्ली का फॉर्मूला। सप्ली के लिए आप इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे CoUnt count if if shift is at 9 से ब्रैकेट ओपन, आप इक्वल लाना काउंट इफ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ रेंज, आप यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ जितने सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिखे उतने सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब आप इसमें लिखेंगे लेस देन 33, मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होते हैं तभी सप्ली आती, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 33। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो सप्ली निकल दिया जाएगी। अब देखिए एक सब्जेक्ट में है आ रही सप्ली, इस पर ही लिख कर दिया अपन, इसको ट्रेस कर देते हैं। देखिए अब इनके तीन सब्जेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ पर तीन सब्जेक्ट में कम होंगे, एक में 22 है, फिर एक में 24 है, फिर यहाँ पे 32 है, 33 से कम है, तीन में आ रही, जितने सब्जेक्ट में सप्ली हुई यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कर लेंगे इतना। क्योंकि आपने देखा ग्रेड भले इनकी फर्स्ट हो लेकिन सप्ली है इस सब्जेक्ट में, बाकी सब में इनके नंबर अच्छे हैं लेकिन इस सब्जेक्ट में इनकी 33 से नंबर कम है, तो क्या आ जाएगी सप्ली। अब जो रिजल्ट बनता है वो किसके हिसाब से बनता है, सप्ली के हिसाब से। अब जब आप रिजल्ट निकालेंगे किसके हिसाब से निकालेंगे, सप्ली के हिसाब से, फॉर्मूला क्या टाइप करेंगे, इक्वल आई एफ इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन। अब आपको इसमें सेल एड्रेस लेना है सप्ली का, सप्ली का सेल एड्रेस, फिर आप यहाँ लिखेंगे लेस देन इज इक्वल 0 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अभी तक जब आप डिवीजन और ग्रेड निकालते ग्रेटर देन लाते थे, अब इसमें आप क्या लाएंगे लेस देन। लेस देन मतलब अदर स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट में सप्ली नहीं है, 0 या 0 से कम में सप्ली, मतलब किसी सब्जेक्ट में सप्ली नहीं है, तब स्टूडेंट पास होता है, फिर अपन ला देंगे कॉमा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आई एफ इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, सप्ली का सेल एड्रेस लेस देन इज इक्वल 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे अपन लिख देंगे सप्ली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अगर किसी स्टूडेंट की दो सब्जेक्ट में या दो से कम में सप्ली आती है तब स्टूडेंट की सप्ली आती है मार्कशीट में, दो में और दो से कम मतलब कि एक में, क्योंकि 0 में सप्ली है तब तो स्टूडेंट पास है, अगर दो या दो से कम में सप्ली तब स्टूडेंट की सप्ली आती, फिर कॉमा ला दी, फिर लिखेंगे इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन सप्ली का सेल एड्रेस लेस देन इज इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं 3 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब शिफ्ट के साथ 0 से 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब लेस देन 3 मतलब अगर स्टूडेंट की तीन सब्जेक्ट में सप्ली है तब स्टूडेंट की फेल हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब तीन बार ब्रैकेट ओपन किया था, तीन बार क्लोज कर दिया, जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर रिजल्ट निकल गया था, देखिए आ रहा है सप्ली, इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर, तो देखिए तीन में है फेल आ रहा। अब जैसे यहाँ एक में सप्ली है तो कितना आ रहा है यहाँ पे सप्ली, और जिसमें बिल्कुल सप्ली नहीं है उसमें क्या आ रहा है पास, और यहाँ पे भी सप्ली आ रही थी, इनकी भी एक में सप्ली निकाल नहीं। अब आप लोग इतने इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। लेकिन ऐसे स्कूल में नंबर नहीं बढ़ते, स्कूल में तो जो नंबर आ जाते हैं वही आ जाते हैं, यहाँ तो अभी मन से लिख लीजिए आप पास हो गए। अरे वो तो हमने सप्ली वाला था, हर्ष भैया की पहचान।